पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट मुरादाबाद के तत्वावधान में 5 दिवसीय अष्टम श्री बाबा नीम करौली उत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम काशी से पधारे हुए योगाचार्य डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी जी के द्वारा पंचांग पूजन कर सभी देवी देवताओं का आह्वान किया गया और पंच कुंडीय हवन में शुभारंभ से पहले सभी नवग्रह देवता और चारों वेदों के आह्वान के साथ गुरु पूजन कर गुरुवर का भी आह्वान किया गया। ट्रस्ट के सभी यजमानों के द्वारा विधि विधान से पूजन किया गया। काशी से पधारे हुए आचार्य जी के द्वारा बताया गया कि पूजन करने से प्रकृति को होने वाले लाभ का भी वर्णन किया जाता है। इसमें बताया गया कि यज्ञ करने से हमारे देवी देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ प्रकृति में वातावरण भी शुद्ध होता है। तो वहीं शाम के वक्त राजकुमार गोस्वामी के द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया और सुंदर सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गयी, जिसको देखकर भारी संख्या में पधारे हुए भक्तगण हर्षोल्लास से भर गए, अपने ही स्थान पर खड़े होकर नृत्य करने लगे, तालियां बजाने लगे, जिससे कार्यक्रम प्रांगण भक्ति में हो गया। महाराज की पहुंच में अपना योगदान दिया, जैसे ये कार्यक्रम इकट्ठा करते कि नहीं करते। अच्छा, जिसके घर से चंदा आता है तो उसके घर प्रसाद भी जाता है, जाता है कि नहीं जाता? कुछ लोग आए, प्रसाद के नाम पे एक भी ना आया। सही बात है ना? बिल्कुल हनुमान जी महाराज ने ऐसे ही करा। जिसके घर से चंदा मृत्यु निकट आही कर तोरी, विद्या दम से घावन होई, उल्टा होई के नजमाना, और प्रकट में गाना, सुन कभी बचन बहुत किसियाना, यही जहर हूँ मोड़ पर काना, सुन तिन साचर मान नधाई, जीवन सहित निवी सन आए, नाई सीस कर बिने बहुता, दिवि रोध नमारी ममता पोच पे सभी कयों समझाए, गोर खटि पाटि पुनि आवक देहु लगाई, ओ पोच हीन पानन कह जाए, अब सट निज काथई नहीं आई, जिनके दीन से बहुत पनाई, हो में जिनके प्रभुकाई, वचन सुनत कवि मन मुस्काना, सहाय सारत में गाना, जात दान सुनि रावण बचना, आगे लगे मुनि सोई रचना, रहाण नगर बसिन कृत तेना, भागी पूछ पीन पति तेना, अब देखी यहाँ रुद्र महायज्ञ हो रहा है। भगवान शिव जी की स्थापना हुई है, उस स्थापना के उत्सव में रुद्र महायज्ञ का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ है और ये पंच दिवसीय है। पंच कुंडात्मक रुद्र महायज्ञ प्रारंभ हुआ है, आज प्रथम दिवस है। आज के प्रथम दिवस में देवताओं का आवाहन पूजन और पंचांग पूजन प्रायश्चित पूजन ये सब हुआ है। कल जो है ये कार्यक्रम देवताओं का आवाहन पूजन वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि भगवान का जो है प्रादुर्भाव होगा। इसके अलावा और क्या कार्यक्रम है और भक्तों की किस तरह? ये रुद्र महायज्ञ में 2 लाख की आहुतियाँ पड़ेंगी, वो 2 लाख की आहुतियाँ 5 दिन में पूर्ण की जाएंगी। कुछ कहना चाहेंगे भक्तों से, संदेश? भक्तों से ये कहते हैं कि इनकी मनोकामना इनके द्वारा पूर्ण होती रहे। ये जो है मंदिर बना हुआ है, हमारे राकेश बाबू, अनिल बाबू, अन्यान्य सभी यजमान हैं जो इन लोगों का बहुत बड़ा इसमें सहयोग है, इनके सहयोग के द्वारा ये यज्ञ संपन्न हो रहा है। बाबा नीम करौली स्मृति उत्सव 8वां मनाया जा रहा है। 8 वर्ष पूर्व महाराज जी की प्रेरणा से मुरादाबाद में यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। बहुत छोटा कार्यक्रम था शुरुआत में, आज 8वें प्रोग्राम तक शहर के बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति इस आश्रम से जुड़ चुके हैं। पिछले वर्ष बाबा नीम करौली आश्रम मुरादाबाद के अंदर महाराज जी के विग्रह के साथ साथ शिव परिवार, हनुमान जी, श्री राम दरबार, गणेश जी, देवी माँ की
विग्रह की स्थापना हुई थी। आज उसी उपलक्ष में, स्थापना दिवस के उपलक्ष में, आज 24 तारीख से 28 तारीख तक का कार्यक्रम चल रहा है जो महाराज जी की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज जो कार्यक्रम है 24 अप्रैल से 28 अप्रैल तक जो हमारा श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम में ये प्रांगण में जो कार्यक्रम चल रहा है उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे आचार्य घनश्याम त्रिपाठी ने अभी आपको अवगत कराया कि 5 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर 5 कुंडी यज्ञ है, रुद्र महायज्ञ, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर आज शाम को सुंदरकांड का शुभारम्भ किया गया है। सुंदरकांड और सुंदर सुंदर झांकियाँ और बाबा के गुणगान के साथ साथ यहाँ पर आज 7 बजे से कार्यक्रम चल रहा है शाम को। और सभी भक्तों से हम तो यही कहना चाहेंगे इस प्रांगण में आकर बाबा के पुण्य कार्य में अपना सहयोग दें, सहयोग दान दें और बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करें। सभी की इच्छा है कि बाबा का भव्य दरबार बनना है, बड़े बड़े दूर से भक्त लोग आ रहे हैं, भक्तों की मनोकामना भी बाबा की द्वारा बहुत पूर्ण हो रही है यहाँ पर कि लोगों ने आज जैसे अवगत कराया कि बाबा यहाँ सुबह भी विराजमान थे, बाबा टहल रहे थे यहाँ पर। आज हमारे पंडित जी हैं, उन्होंने खुद देखा था बाबा को, बोले मैंने तो आज पहली बार देखा था बाबा को। तो ऐसे कई पाख्या बाबा यहाँ अपने चमत्कार दिखा रहे हैं भक्तों के द्वारा, भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं लोग। तो भक्तों का बड़ा सैलाब यहाँ पर एकत्रित हो रहा है यहाँ पर, तो बड़ा उल्लासा के साथ यहाँ पर लोग सब लोग तन मन धन से अपना सहयोग दे रहे हैं, इसी तरह से जीत रहे हैं। जय श्री राम, जय बाबा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।